नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। Assalamualaikum. नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मेरा नाम है सबा गजाली और आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंसेस के हवाले से। बात करेंगे इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर और ये होते क्या हैं। फ्यूचर यानी के ज़माना है मुस्तकबिल, वो काम जो होने वाला है, हुआ नहीं होने वाला है। आगे की बात करेंगे तो हम फ्यूचर इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स आइए फ्यूचर सिंपल सीखते हैं। फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल डू दिस वर्क टुमारो, आई विल डू दिस वर्क एज सून एज पॉसिबल। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं आई विल डू दिस, यानी कि मैं ये काम कल करूँगा या जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी ये काम करूँगा या करूँगी या फिर मैं ये काम करूँगी। इन सब बातों को जाहिर करने के लिए आपने फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया। आइए अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रही होंगी। आई विल बी गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रही होंगी। आई विल बी रीचिंग होम अराउंड 5, मैं तकरीबन 5 बजे के करीब घर पहुंच रही होंगी। इन सब जुमलों में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया, जहाँ पर हमने होने वाले तसलसल की बात की जो कि हमें एक्सपेक्टेड था। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आई विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय दिस वीक, मैं इस हफ्ते के इख्तिताम तक ये बुक खत्म कर चुकी होंगी। आई विल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट डे, मैं आने वाले दिन तक इस काम को पाए तकमील तक पहुंचा चुकी होंगी या पहुंचा चुका होंगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंसेस बना सकते हैं। अलबत्ता यहाँ आपको बताती चलूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एप्लीकेबल नहीं है। इसकी एप्लीकेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि किसी भी चीज का क्लेम हम तसलसल के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इट विल हैव बीन रेनिंग, तो यहाँ पर हम ये जुमला गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज का एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस बता सकते हैं लेकिन उसकी प्रोग्रेस कंटिन्यूटी के साथ नहीं बता सकते। लिहाजा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को ग्रामर में कई जगहों पर शामिल जरूर किया जाता है लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी रियल वर्ल्ड में नहीं है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म हुआ। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।